कंपनी का जो सैलरी सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत सारी कंपनीज होते हैं जिसमें से आपको बेसिक सैलरी मिलती है और डायरेक्टली पीएफ लिखा रहता है, तो बेसिक्स माइनर पीएफ इक्वल टू इन हैंड सैलरी, आपकी जो कुछ भी वो इन हैंड सैलरी सीटीसी सैलरी आपको वहाँ पर मिल जाती है। सो ग्रॉस सैलरी को और सीटीसी सैलरी में डिफरेंस होता है। हमेशा इन सैलरी में डिफरेंस किस तरह से काउंट होता है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ये आपका जो टैक्सेस है वो बचाने के लिए किया जाता है। बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा करके टैक्सेस लगते हैं, तो आपका बेसिक्स को डिवाइड किया जाता है अलाउंसेस में। तो कोई कंपनीज आपको सैलरी स्लिप में दिखा देगी क्योंकि बेसिक्स है, बेसिक्स के पास उसको अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें से ट्रैवलिंग अलाउंसेस, होम अलाउंसेस, ऐसे वैसे वो चारे अलाउंसेस, ये चारे सब मिला के सैलरी को डिवाइड किया जाता है। लगभग अगर किसी की 20K की सैलरी यानी 20,000 की सैलरी हो तो बेसिक सिर्फ 5,000 होता है, उसके बाद 12,000 के अलाउंसेस और उसके बाद कुछ अदर चीज़ें ऐड करके आपका 20,000 का सैलरी कंप्लीट किया जाता है। सो इस सैलरी स्लिप बनाने का बेसिक मोटिव रहता है टैक्सेस का, या फिर जो भी टैक्स होते हैं उसके ऊपर उनको डिडक्शंस मिले। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट कुछ रूल चेंज हो चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों को करके भी कंपनी को कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन फ्रेशर्स को इस सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर्स पता नहीं होता है, सैलरी फॉर्मेट का पता नहीं होता, तब मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि आपकी जो सैलरी होती है इन हैंड, अगर आपको 20,000 का सैलरी है इन हैंड, तो आपको इन हैंड आएंगे यहाँ पे 17,000 से 18,000 के बीच में। तो इतना लगभग आपके सैलरी के ऊपर जो भी परसेंटेज में पीएफ कटता है 12% के अकॉर्डिंग, जितना भी पीएफ कटेगा आपका, सो उस पीएफ को माइनस करेंगे आपके मंथली सैलरी से, तो जो इन हैंड सैलरी वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। बहुत कंपनीज है जो एक्सटर्नल चार्जेस अप्लाई करती है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, या फिर जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कभी बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, तो आप जब सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस में कंपनी के थ्रू कुछ पे करते हैं तो वो भी वहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं। तो फाइनल सैलरी आपको उनके डिडक्ट करके जो भी सैलरी मिलेगी लेट इट बी, वो आपकी वहाँ पे फाइनल सैलरी बोल के सामने आती है। सो होप इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।